सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना। कोरोना संकट के बीच घाटी में आतंकियों का सफाया जारी है और जिसके तहत दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और एहतियातन पूरे इलाके में प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। उधर हंदवाड़ा में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखते थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर जारी है और लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है जिसके चलते कश्मीर में अब कोरोना पीड़ितों की संख्या 666 तक पहुंच गई है। वहीं अगर एक्टिव केस की बात करें तो सूबे में कुल 404 केस एक्टिव हैं और जिसमें कश्मीर के 396 तो वहीं जम्मू के 8 एक्टिव केस इसमें शामिल हैं। और इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे ब्यूरो चीफ तजम्मुल जुड़े हुए हैं। तजम्मुल, जिस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, अब क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से ताकि केसेस और ज्यादा ना बढ़ें उसको रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए जब प्रशासन के चैलेंज की हम बात करते हैं तो आज भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम पालिका जो है उनके जो जितने भी अहदेदार हैं उन्होंने पूरे शहर में आज सर्वे किया। बल्कि बदकिस्मत से एक वाक्य एक ऐसा भी पेश आया जिसमें एक कॉरपोरेटर जो है उनका भाई जो है उससे दिल्ली से कहीं ना कहीं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री छिपा कर घर में रखा गया था। उसके बाद उन्हें आज क्वारंटीन किया गया, होम क्वारंटीन। उसके बाद अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आता तो उससे न सिर्फ मेयर, डिप्टी मेयर बल्कि कमिश्नर और बाकी अमला जो है उनको भी क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसी के साथ लंदन अस्पताल श्रीनगर में एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया लेकिन जो बच्चा जन्म जिसने लिया उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया। इसी तरह से शहर के बाकी इलाकों में आज अकेले श्रीनगर से 15 केसेस आ गए। बदकिस्मत से 2 फैमिलीज में 13 लोग ऐसे हैं जो कि 2 फैमिलीज के जिनके पॉजिटिव टेस्ट आए हैं। और इसी के साथ प्रेयर लीडर यानी एक इमाम मस्जिद भी है जिसकी फैमिली को पॉजिटिव टेस्ट आए हुए हैं। यानी कुल मिलाकर अब 74,000 अंडर ऑब्जर्वेशन ऐसे लोग हैं जो कि अब आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज हो सकता है। शहर के बटपोरा रैनावारी में भी इसी तरह के पॉजिटिव टेस्ट आने की इत्तलात मौसूल हुई है। लंदन हॉस्पिटल में जहां हमने बच्चे का जिक्र किया वहां पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी वहां पर पॉजिटिव उसका टेस्ट आया है जिसके चलते इलाके में बड़ी परेशानी है। लेकिन कुल मिलाकर 3 माइनर्स भी आज के इस टेस्ट में आए हुए हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो शहर में एडवाइजरी लॉकडाउन और उसके बाद इस पूरे एरिया में अब कश्मीर को रेड जोन डिक्लेयर किया गया और लॉकडाउन का पालन न करने के पदाश में आज भी काफी ज्यादा वाहन और लोग जो हैं उनके खिलाफ चालान पेश किए गए। कुल मिलाकर जो अभी तक के आंकड़े हैं 666 पे पहुंच गया जम्मू कश्मीर जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए हो सकता है। लेकिन रिकवरीज के केसेस जो है दीजिए वो बहुत ज्यादा है और आज भी 69 रिकवरीज आई और जिससे गालिबन 15 श्रीनगर के अकेले केस के लिए। तजम्मुल, अब सवाल ये उठता है यही बड़ा चैलेंज कि जो रेड जोन है उन्हें ऑरेंज जोन में कैसे कन्वर्ट किया जाए और कम से कम ये हालात और बेहतर हो सके वहाँ। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि श्रीनगर के अलावा जब बांडीपोरा के गुंड जहांगीर की बात करते हैं फिर शोपियान दक्षिणी कश्मीर का बहुत गर्म है, इसके अलावा अनंतनाग शांगर सियारीपोरा बहुत ज्यादा है, उसमें 28 दिन तक फिलहाल जो है लोगों को सब्र करना होगा, अपने अपने घरों में बैठना होगा, उन्हें तमाम तरह खाने पीने की चीजें वहाँ प्रशासन की तरफ पहुंचाई जाएगी। लेकिन 28 दिन के बाद क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो लॉकडाउन कॉल का जो एक्सटेंशन है मुझे लगता है उसके बाद बहुत सारे इलाके जो हैं रेड जोन से ऑरेंज जोन में वापस शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन तजम्मुल अब पहले तो उम्मीद ये थी कि 3 के बाद लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, लेकिन अब तो ये क्लियर हो गया है कि 3 के बाद भी लॉकडाउन बढ़ने जा रहा है, यानी कि 2 हफ्ते और ये लॉकडाउन बढ़ेगा। ऐसे में जनजीवन को भी पटरी पर लाने के लिए कई गाइडलाइंस जारी की गई है, तो उसके लिए क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से क्योंकि कई व्यवसायों पर भी इसका असर पड़ रहा है, धंधों पर भी इसका असर पड़ रहा है? जम्मू कश्मीर में चूंकि कोविड-19 के साथ साथ आपने अभी देखा कि इमरजेंसी मुखालिफ ऑपरेशन भी चल रहे हैं, वो अपनी जगह चल रहे हैं। इसी तरह NIA का जो अपना ऑपरेशन स्टैंडर्ड है वो भी चल रहा है। इसी तरह लेबर क्लास को
और स्टूडेंट्स को वापस लाने का जो सिलसिला है वो पहले से शुरू किया गया है। खुसूसी ट्रेनों और बसों के जरिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से उन्हें जम्मू कश्मीर लाया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में चैलेंज बहुत ज्यादा है प्रशासन के लिए, जहां रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन के बाद पूरे कश्मीर को डिविजनल कमिश्नर पीके पोली ने रेड जोन डिक्लेयर किया। और इससे साफ तौर पर जाहिर है कि दो जगहों पे आपको अपने बंदे खड़े करेंगे। एक तो राशन पहुंचाने का सिलसिला शुरू करना होगा और उसको इफेक्टिवली काम पूरा करना होगा। दूसरा, जब आप रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो फिलहाल कश्मीर में किसी भी जगह पर कोई भी रिलैक्सेशन फिलहाल नजर नहीं आती है, बल्कि नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के कई इलाके जहां पर दिन में 10-12 पॉजिटिव केसेस आते ही आते हैं, पूरे कश्मीर घाटी को रेड जोन डिक्लेयर किया गया, लेकिन स्ट्रैंडेड लोग जो है उन्हें वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तजामुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो लगातार कोशिशें यही है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको राज्य में दोबारा वापस यहाँ लाया जाए, और इसी की वजह से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो कश्मीर घाटी है वो फिलहाल रेड जोन में है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर जारी है और लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जिसके चलते कश्मीर में अब कोरोना पीड़ितों की संख्या 666 तक पहुंच गई है। वहीं अगर एक्टिव केस की बात करें तो सूबे में कुल 404 केस एक्टिव हैं, जिसमें कश्मीर के 396 तो वहीं जम्मू के 8 एक्टिव केस इसमें शामिल हैं। उधर नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। यहां कोरोना के 5 मरीज रिकवर हुए हैं और जिन्हें प्रशासन ने घर जाने की इजाजत दे दी है। फिलहाल सभी को एहतियातन अगले 14 दिनों तक घर में रहने की सलाह दी गई है। बांदीपोरा में यहां आज तक 34 पेशेंट जो हैं वो कोविड पॉजिटिव जो थे वो क्योर होके तो वापस आए थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद हमें 14 दिन में दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखते हैं। इसी जीवन में हमारे 5 पेशेंट्स हैं जो सबसे पहले क्योर हुए थे, हमने यहाँ पर OSC में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखे हुए थे, तो आज उन्हें यहाँ पर हमने डिस्चार्ज किया है। तो साथ उनको ये बताया भी है कि घरों में जाके अभी 14 दिन और होम क्वारंटीन में रहेंगे। साथ में उन्हें यह भी बताया कि वो लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस है उनका वो शेयर करेंगे और लोगों को बताएँगे किस तरीके से बीमारी से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, पर्सनल हाइजीन होगी, उनका भी ध्यान रखें। PDP नेता नजीर अहमद ने LG से अपील की है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए शासन की ओर से इस्तेमाल की जा रही राशि का स्पष्टीकरण दिया जाए, जिसके लिए खर्च होने वाली राशि की जानकारी वेब पोर्टल पर अपडेट की जाए ताकि जनता को पता चले कि कहां कितना खर्च हुआ है। आज तो आप देख रहे हैं कि ये जो COVID-19 एपिडेमिक चल रहा है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और देना चाहते हैं। वो ये है कि ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन से हम कहना चाहते हैं कि मेक डिटेल्स ऑफ COVID-19 एक्सपेंसेस टू पब्लिक, यानी अगर हम किसी जगह सैनिटाइजेशन कर रहे हैं उस पर कितना खर्चा आता है और किस किस जगह पर हम कर रहे हैं। हम डेली बेसिस पर इसका हर रोज़ चाहते हैं, एक नक्शा हम चाहते हैं इसका। और दूसरी बात, अगर अस इथे पाठ वनो रिलीफ कोत खर्च ग अनान कत ये भी हम एक हफ्ते के लिए चाहते हैं, एक हफ्ते में एक बार इनसे जवाब मांगना चाहते हैं। कोरोना संकट के बीच ग्रामीण विकास विभाग के डायरेक्टर काजी सारवर ने गांदरबल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इलाके में सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र से संबंधित जारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और मनरेगा के तहत होने वाले कार्य की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।